झारखंड की बड़ी खबर। 7 महीना पहले दफनाया गया शव बाहर निकाला गया। पहले पिलाया शराब, फिर पत्थर से कूच कर किया था हत्या। रांची जिला के नामकुम थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर चचेरे भाई ने ममेरे भाई और महिला के संयोग से हत्या कर शव को दफना दिया था। हत्या के 7 महीना बाद उसके दफनाए गए शव को बाहर निकाला गया। शव पूरी तरह से सड़ चुका था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बड़ी खबर झारखंड की राजधानी रांची से आई है। रांची जिले के नामकुम थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर चचेरे भाई ने हत्या कर दी। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में शव को बाहर निकाला गया और हत्या में शामिल शिवू मुंडा एवं जीत सिंह मुंडा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वहीं आरोपी महिला संपत्ति देवी फरार है। प्रशिक्षु आईपीएस थाना प्रभारी ऋत्विक श्रीवास्तव ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि 13 दिसंबर 2022 से मृतक सोमा मुंडा लापता था। उसके चचेरे भाई गंगाराम मुंडा ने 26 दिसंबर को गुमशुदगी का सनहा दर्ज कराया था। बताया गया कि दोबारा 30 जुलाई 2023 को गंगाराम के द्वारा सूचना दी गई कि जमीन विवाद में शिवू मुंडा ने जीत सिंह मुंडा एवं संपत्ति देवी के संयोग से सोमा की हत्या कर शव को जंगल में दफना दिया है। उसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एएसपी मुख्यालय प्रथम मुमल राजपुरोहित एवं प्रशिक्षु आईपीएस ऋत्विक श्रीवास्तव के नेतृत्व में गठित टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में शव को बाहर निकाला। शव पूरी तरह से सड़ चुका था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इधर पुलिस को आरोपियों ने बताया कि पहले शराब पिलाकर नशा कराया गया, उसके बाद पत्थर से कूच कर हत्या करने के बाद उसे दफना दिया गया था। अपने सपनों को करें साकार द प्रयास इंडिया के साथ, यूपीएससी की तैयारी को बनाएं आसान। अब आपके शहर रांची के हरि ओम टावर में खुला विश्वसनीय आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट द प्रयास इंडिया, झारखंड का एक ऐसा संस्थान जहां से हुआ सबसे अधिक छात्रों का चयन। अब आप भी बने प्रशासनिक देश सेवा का हिस्सा। कॉल करें 7004730406।